हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। हरे कृष्णा हरि भक्ति विलास में कहा गया है, समयासे महारोगा दुख नाम सर्वदेही नाम एकाची उपवासियम निमित्त परम औषध अर्थात एकाची का सृजन। भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन मन के रोगों को दूर करने हेतु परम औषध के रूप में किया गया था, तो ऐसे ही परम कल्याणकारी एकाची तिथि फिर एक बार हमरा उद्धार करने के लिए आ रही है। लेकिन फिर से इस बार भी आप सोच रहे होंगे कि दो एकाची तिथि आ रही है, तो आखिर कौन से दिन एकाची का व्रत रखा जाए। कोई कहते हैं एकाची 2 तारीख को करनी है और कोई कहता है 3 को करनी है। तो चलिए आज हम आपके इसी संशय का समाधान करते हैं, और वो भी शास्त्रों में वर्णित श्लोकों के माध्यम से। इस बार जो एकाची तिथि आ रही है वो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकाची। इस एकाची के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस अत्यंत मंगलकारी एकाची व्रत का पालन करता है उसके पूर्व जन्म के महाभयंकर पापों का नाश हो जाता है और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अपरा एकाची एक ऐसी कुल्हारी के समान है जो संपूर्ण पाप रूपी वृक्षों से भरे हुए पूरे जंगल को काटने की क्षमता रखती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने पूर्व और वर्तमान पाप कर्मों को लेकर चिंतित है उसे इस अपरा एकाची का नियम और श्रद्धापूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस बार यह एकाची आखिर 2 को है या 3 को, तो देखिए इस बार जो एकाची आ रही है वह दशमी से सम्मिलित एकाची है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब कोई भी एकाची दशमी तिथि से सम्मिलित हो तो उसका पालन हमें द्वादशी के दिन ही करना चाहिए, एकाची के दिन नहीं। चलिए अब इसका प्रमाण ढूंढने के लिए शसे कुछ श्लोक सुनते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है, अतएव परित्याज्य समय च अरुणोदय दशमी एकाची विद्या वैष्णवन विशेषत, अर्थात व्यक्ति को दशमी से सम्मिलित एकाची को त्याग देना चाहिए भले ही वह सूर्योदय से पूर्व उपस्थित हो, विशेषकर वैष्णव को। अब देखिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी एकाची तिथि दशमी से सम्मिलित होती है तो उसका त्याग करना चाहिए, फिर भले ही वह सूर्योदय के समय उपस्थित हो। सामान्य रूप से हम यह देखते हैं कि जब सूर्योदय के समय एकाची तिथि उपस्थित ना हो तो हम अगले दिन एकाची व्रत का पालन करते हैं, लेकिन इस बार तो एकाची तिथि सूर्योदय के समय में भी उपस्थित है लेकिन फिर भी हम उसका पालन द्वादशी के दिन कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण यही है कि इस बार की एकाची दशमी से सम्मिलित है, इसीलिए हम उसका पालन एकाची वाले दिन ना करके द्वादशी के दिन ही करेंगे। तो इस नियम अनुसार अपरा एकाची 2 जून को प्रातः 5:04 पर प्रारंभ हो जाती है और उसी समय में दशमी तिथि भी सम्मिलित है। एकाची तिथि पूर्ण होगी 2 जून को रात्रि के 2:04 पर और फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी 3 जून को सुबह सूर्योदय के समय में द्वादशी तिथि उपस्थित है और द्वादशी पूर्ण हो रही है 3 जून को रात को 8:49 पर। तो इस प्रकार भले ही इस बार एकाची तिथि 2 जून को आ रही है लेकिन क्योंकि यह दशमी विद्या एकाची है इसीलिए उसका पालन हम एकाची पर ना करके इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा 3:47 पर और सूर्योदय होगा 5:02 पर। अगले दिन यानी त्रयोदशी पर इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा 5:02 से लेकर 10:04 के बीच में। तो इस प्रकार हम अपरा एकाची का पालन द्वादशी तिथि में करेंगे क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि और सभी शास्त्रों का यही मत है कि दशवीं विद्या एकाची जब आए तो उसका त्याग करके मन मनुष्य को द्वादशी के दिन ही उसका पालन करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इस विशेष अपरा एकाची का पालन नियम पूर्वक कैसे किया जाए। एकाची के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह है अन्न का त्याग, हरि नाम का जप, कृष्ण चेतना में स्थिरता। और इस दिन इन तीनों चीजों को प्राप्त कैसे करनी चाहिए, तो इसकी विधि अत्यंत सरल है। कुछ कार्यों के माध्यम से आप यह तीनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहला कार्य है जिस दिन आप एकाची व्रत का पालन कर रहे हैं उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और उठकर स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से जल्द स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए अथवा अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल ले और एकाची का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, एकादश याम निराहार स्थिवा अहं परेहनि भक्ष्या में पुंडरीकाक्ष शरण में भवाचत, अर्थात हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं संकल्प लेती हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकाची व्रत का पालन करूंगी, कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान करिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा करें। तुलसी देवी ही वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है क्योंकि वे स्वयं भगवान की शुद्ध भक्त है। तुलसी देवी को जल अर्पित करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें।
उसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरि नाम का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक जप करें। बिना श्रद्धा के कोई भी आध्यात्मिक कार्य सफल नहीं हो सकता। एकादशी के दिन अधिक से अधिक इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयास करें। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। अपने शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ फल और दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन ना लें, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या दलिया। यदि आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। किसी प्रमाण भूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करें, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करिए। एकादशी के दिन आप अपने किसी भी नजदीकी गौशाला में जाकर गाय के लिए भी दान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार संध्या होने पर पुनः तुलसी देवी के समक्ष और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें और भगवान के समक्ष बैठकर हरि कीर्तन करें। अगले दिन यानी इस बार त्रयोदशी पर प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। निर्धारित पारण समय पर यानी 4 जून 2024 मंगलवार को सुबह 5:02 से लेकर 10:04 के बीच में अपना एकादशी व्रत का पारण करें। किसी भी अन्य प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन उसे घर में ही बनाएं और सबसे पहले उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं और वही प्रसाद के रूप में आप ले पारण करने से पूर्व अपने नजदीक के मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देना शून्य यह प्रत्येक परिवार में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होता है। इससे आपकी कमाई का शुद्धिकरण होता है और दान करने का पुण्य फल भी आपको मिलता है। द्वादशी के दिन भी आप पारण करने से पूर्व किसी गाय या बछड़े को चारा खिला सकते हैं या फिर उनके लिए दान दे सकते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान गोविंद की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक आने वाली अपरा एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश आस्ट.कॉम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें, ताकि एकादशी के दिन आपको इसकी कथा सरलता से मिल जाए। इतने सालों से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और श्रद्धापूर्वक सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए आप सभी का हम सब हृदय से धन्यवाद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपके एकादशी तिथि को लेकर सारे संशय समाप्त हो चुके होंगे। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आप अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। जो लोग इस बार एकादशी तिथि को लेकर अभी भी संशय में है, तो चलिए संपूर्ण पापों का नाश करके परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली इस विशेष अपरा एकादशी का पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्णा।